हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करके एरिया ऑफ कर्व जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास लाइन दी गई है बेटा, इक्वेशन लाइन, तो वो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको मॉडुलस का बिहेवियर पता है, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप इक्वेशन जो है हमारे पास आएंगी 4, वो कैसे आएंगी, अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कब, जब हमारे पास क्या होगा, एक्स भी क्या है ग्रेटर देन 0 है और y भी, इसमें क्या होगा x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, हम यहाँ से हमारे पास x जो है अगर नेगेटिव हो y पॉजिटिव, x क्या आ जाएगा नेगेटिव फिर y क्या आ जाएगा पॉजिटिव, कब, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 सॉरी लेस देन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 और y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमारे पास आ जाएगा x सेम यही रहेगा लेस देन 0 और y भी हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन 0, x लेस देन 0 और y भी क्या आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन और y आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे x ग्रेटर देन हो जाएगा 0, y क्या आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है, ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगे ऐसे। ओके बेटा, क्लियर है, तो ये वाली जो इक्वेशन है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे फर्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन लेते हैं एक्स वाई, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम पॉइंट बना लेते हैं लाइन इंटरसेक्टिंग की एक्स और वाई, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम एक्स जीरो रखते हैं वाई वन, वाई जीरो रखते हैं एक्स वन, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हमारा ये वन है, ये नेगेटिव वन है और ये हमारे पास पॉजिटिव वन है, ये नेगेटिव वन है, ठीक है बेटा, यहाँ से हमारे ये पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट वाला जीरो और वन ये वाला, और सेकंड वाला वन और जीरो, ये आ गया आपके पास, ये लाइन ड्रॉ होगी। ओके, फर्स्ट लाइन कौन सी आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको दूसरी लाइन देखते हैं तो हमारा एक्स नेगेटिव ये है, वाई क्या है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, अगर हम y 0 रखते हैं तो x क्या आ जाता है हमारे पास माइनस 1। ठीक है, ओके, हमारे पास आ गया x plus y is equal to 1, फिर है माइनस x plus y is equal to 1, तो इसके लिए आप पॉइंट लेते हैं x और y, ये हमने लिया 0, तो y क्या आ जाएगा 1, फिर हमने लिया y 0, x क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला लाइन आ गई हमारे पास, क्योंकि x क्या है हमारे पास माइनस वन और जीरो और ये जीरो और वन ये आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन है हमारे पास ये वाली माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर हम देखें x और y, अगर हम y जीरो रखते हैं x जीरो रखते हैं y माइनस वन, अगर हम y जीरो रखते हैं तो x माइनस वन, तो ये कहाँ पे आ रहा है दोनों ये वाले पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, और थर्ड वन है आपके पास x माइनस y इज इक्वल टू 1, x y, x 0 है y माइनस 1, y 0 है x 1। ठीक है, तो ये आ गया ये वाला पॉइंट। ओके, इसको नाम दे दो a b c d, तो आपको एरिया ये वाला फाइंड करना है बेटा, आपको बोला गया है ना फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ओके, क्लियर है, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, ये क्या था, ये था आपके पास 0 और 1, ये था 0 और माइनस 1, ये था आपके पास 1 और 0, तो ये आपके पास माइनस 1 और 0। ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास 0, 0 टू 1 जो आप ये वाला आप इसका बेस ले लीजिए। ठीक है, या आप ब्रैकेट ले लीजिए dx
और हमारे पास जो इसकी लेंथ है ये वाली ले लीजिए, इसको ले लेंगे हम y, ठीक है। हम ए क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 4 से, तो हमारा एरिया आ जाएगा ये 4, ठीक है बेटा। चलिए तो हमारे पास है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, तो वो आ जाएगा एरिया होल स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया आपके पास, स्क्वायर कौन सा आ गया, ये ए बी सी डी, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 0 2 1, ये एरिया ट्राइंगल, ठीक है, तो लिख लेंगे आप 4 एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ 0 a b, तो ये आ जाएगा 4, लिमिट है 0 to 1, तो ये किसका है लाइन, लाइन कौन सी है एक्स वाई, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे 1 - x आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - x dx, तो बच्चे यहाँ पे 4 इंटीग्रेट करेंगे x - x2 / 2 0 to 1 लिमिट, 4 1 रखा -1/2 ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 में से 1 निकाला तो 1/2 4/2 हो जाएगा, ये कैंसिल करके 2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ जाएगा आपका, ओके नोट कर लीजिए आप इसको, दिस वन इज योर आंसर, थैंक यू।